हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टाइम एंड टेस्ट। आज मैं आपको बनाने जा रहा हूँ लंकू या बेंगलोर ब्रिंजल या चौ इसे कहा जाता है। इसकी सब्जी बनाएंगे तो प्याज मैंने लॉन्ग स्लाइसेस में कट कर लिया है, जिंजर गार्लिक और हरी मिर्च का एक पेस्ट रेडी किया है, यह बारीक चॉप किया है मैंने। मसालों में मेथी, नमक, हल्दी, अजवाइन, गर्म मसाला और धनिया बारीक कुटा हुआ लिया है। तो एक पैन में मैंने 1 बड़ा चम्मच तेल गरम करके उसमें थोड़ा सा हींग डाला है, इसे हल्का सा गरम होने दिया है। तो देखिए फ्रेंड, तेल गरम हो चुका है, इसमें जिंजर गार्लिक और हरी मिर्च को ऐड करते हैं, इसे हल्का सा भून लें। इसमें जिंजर गार्लिक इसमें भून चुका है, इसमें डालेंगे प्याज और इनको हल्का पिंक होने तक भून लें। अनियन हो चुके हैं पिंक, अब इसमें डालेंगे मसाले और इसको हल्का सा लो फ्लेम पर भून लेते हैं फिर से। तो जब तक मसाला भुन रहा है तब तक मैंने जो लंकू हैं उनको कद्दूकस कर लिया है, ग्रेट कर लिया है मैंने इनको, तो इनसे इनका टेस्ट बिल्कुल अलग आता है सब्जी में। ये देखिए मसाला हमारा भुनकर रेडी हो चुका है, अब इसमें हम ग्रेट किया हुआ लंकू डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सब्जी को मसाले के साथ मिक्स करने के बाद करीब 3 से 4 मिनट तक हमने ढककर लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाना है, हल्का सा सॉफ्ट होने तक। तो आइए इसे ढककर पकाते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, करीब 5 मिनट के बाद मैंने कवर हटाकर देखा है तो लंकू की सब्जी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो जरूर ट्राई करें, एंड अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।